अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, इसमें मैंने लिया है 3 पाउच चिकन। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। एक बड़े साइज का प्याज, इसको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। 3 से 4 टमाटर हैं, इनको बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो चिकन कढ़ाई में मैंने यूज़ करनी है। मैं स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक पैन में मैंने चिकन शामिल किया है, इसके साथ ही मैंने पिसा हुआ प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सारे मसाले, ये भी सारे इसमें शामिल कर देने हैं। और इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के, तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। ये देखें, अब इसके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इनका छिलका हमने लाकर देना है। इसके ऊपर से छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। अब इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखें, हमारी चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। आई होप आपको भी मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।